आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा अमेरिका। पाक अफगानिस्तान सीमा पर अड्डा जमा रहे आतंकवादी, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका ने दिया संकेत। दलित एनजीओ को यूएन परिषद की मान्यता, भारत रूस चीन समेत कई देशों ने जताई थी आपत्ति, दलित एनजीओ को यूएन परिषद की मान्यता। यूएन में गूंजा दुनिया का एक परिवार का संदेश, स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख महाराज की जन्मशती मनी, यूएन के राजनियों का दावा। वेस्ट बैंक हमले में इजराइल सेना में 3 फलिस्तानियों को मार गिराया, सैन्य चौकी पर किया था हमला, इजरायली और फलिस्तान अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की। अमेरिका में भारतवंशी रमेश बेलवानी को 13 साल की जेल, पूर्व प्रेमिका एलिजाबेथ होम्स को भी सजा। पेरू में पड़ा उलटफेर, उपराष्ट्रपति डीना बनी राष्ट्रपति, कैस्टिलो को महाभियोग चुलाकर हटाया। पाक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी अनुमति, इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की अनुमति। जर्मनी में सशस्त्र तख्ता पलट की योजना, तख्ता पलट के शक में 25 संदिग्ध चरमपंथी गिरफ्तार। अमेरिकी अदालत में बिन सलमान के विरुद्ध खशोगी हत्या का केस खारिज, अमेरिकी सरकार का प्रस्ताव स्वीकार, बिन सलमान के खिलाफ हत्या का केस खारिज। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार तालिबानी ने दी सार्वजनिक सजा, तालिबान ने हत्या आरोपी को दी सार्वजनिक फांसी सजा। बांग्लादेश में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक की मौत, कई अन्य लोग घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। तमिलनाडु में तबाही मचाने आ रहा चक्रवर्ती तूफान मेंडूस, भारी बारिश की चेतावनी, 5,000 राहत कैंप तैयार। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत, बीजेपी ने तोड़ा कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मारी बाजी, बीजेपी को मिली करारी हार, आम आदमी पार्टी का नहीं खुला खाता। देश के 5 राज्यों में 7 सीटों में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित, यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव जीती, खतौली विधानसभा से आरएलडी जीती और रामपुर विधानसभा से बीजेपी ने मारी बाजी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस जीती, ओडिशा से बीजेडी और बिहार से बीजेपी ने मारी बाजी। भारत और बांग्लादेश के बीच आखिरी वनडे मैच आज, क्विन स्वीप करने के लिए उतरेगी बांग्लादेश की टीम, क्लीन स्वीप से बचा रहेगा भारत। रोहित शर्मा ने एनसीए पर उठाए सवाल, सिरे झाड़ने के बाद बोले रोहित, अनफिट खिलाड़ी भी देश के लिए खेल रहे हैं। अगले साल श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा भारत, बीसीसीआई ने किया शेड्यूल का ऐलान, जनवरी में श्रीलंका के दौरे से शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया से लाबुशोन का लगातार तीसरा टेस्ट शतक, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए नापाद 120 रन, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 3